इस वीडियो में आपको बताऊंगी थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बना। कि मेरे पास काफी कमेंट आए कि थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताएं, तो आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की कटिंग के बारे में बता रही हूँ। तो मैं ड्राफ्ट जो है पेपर पे कर लूँगी और उसी ड्राफ्ट को रख के आप कपड़ा भी कट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने पेपर ले लिया है और ये मैं 36 साइज का बता रही हूँ। तो देखिए ये मैंने पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट पेपर पर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने ब्लाउज का शोल्डर ले लेते हैं। तो जैसे है 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे और ये मैं 34 साइज़ का बता रही हूँ। तो देखिए जो भी लंबाई हमारी इस ब्लाउज की जो लंबाई है 14.5 इंच है, 14.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अभी हम ले लेते हैं मुड्ढे, मुड्ढे 6 इंच। ये जैसे 34 का है तो फोर्थ भाग आएगा हमारा यहाँ पर 8.5। और देखिए इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो भी साइज है आपका 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। 3 इंच के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये हमारा 11.5 इंच हो जाएगा। क्योंकि जो प्रिंसेस कट कट करेंगे उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। कोई भी साइज़ का बनाते हैं 1 इंच का आपको सेंटर वाला मार्जिन जोड़ देना है उसमें। मेथड सेम है, आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। तो ये हमारा चेस्ट का लाइन हो गया और यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि 1 इंच तो हमारा सेंटर में चला जाएगा। तो 2 इंच का यहाँ पर डॉट लगा के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये तैयार साइज रहेगा, ये हमारा मार्जिन है। अभी मुड्ढे ले लेते हैं, मुड्ढे 1.5 इंच। तो क्रॉस में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और कर्व की सहायता से यहाँ पे इसकी शेप दे देते हैं। अभी इसमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, तो जो कि यहाँ से शोल्डर से इस तरीके से लेते हुए जाएंगे। और इसको अभी आप चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं। तो जो कटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे। अभी नेक लेते हैं, नेक आप अपने साइज़ के अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैं शोल्डर से 2.5 इंच ले रही हूँ और जो डीप में ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 6.5 इंच लिया है, 6.5 इंच पर बॉक्स बना लेते हैं। इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसको राउंड शेप दे देते हैं इस तरीके से। सेम इसी लाइन पर हम इसको कट कर लेंगे नेक को। अभी हम चलते हैं अपने कप साइज़ की तरफ। तो देखिए जो हमारा कप साइज है वो 12.5 इंच है। तो यहाँ पर 12.5 इंच पर ये तुम्हारा करेक्ट साइज़ है और 1 इंच हम ले लेंगे मार्जिन। तो हमको लेना है 13.5 इंच। 13.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये मार्किंग हो चुकी है। अभी इसकी हम यहाँ पर पहले शेप देते हैं। तो यहाँ से आपको, तो देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच ले लेंगे हुक पट्टी साइड से और सेम 1/2 इंच हम इस साइड से ले लेंगे और इसकी शेप दे देते हैं। अभी हम चलते हैं प्लेट की तरफ। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इंची टेप को रख लेंगे और हुक पट्टी के सेंटर से 5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। और इसमें हम जो प्लेट लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच की प्लेट आ जाएगी हमारी। 2.5 इंच के बीचों बीच 1/2 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे और जो ये प्लेट रहेगी ये हमारी 3 इंच लंबी रहेगी। और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखिए आप यहाँ सेंटर से देखेंगे तो ये 3.5 इंच हमारा आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको सेंटर से 3.5 इंच ही लेना है। ये 34 साइज से लेके 36 तक आप 3.5 इंच ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा साइज है तो फिर उसको बढ़ा देना है। तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अभी हम इसकी शेप दे देते हैं जो कि प्रिंसेस कट में आएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा कट रहेगा वो इस तरीके से इसके बीचों में आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई चला जाएगा, 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से। तो जो इसकी शेप आएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस प्लेट को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आपकी ये प्लेट रहेगी यहाँ पर। अब जो ये गोलाई आएगी ये हमारी यहाँ पर इसी में ये गुलाई आ जाएगी। तो जो ये 1/2 इंच लिया है तो ये 1/2 इंच हम अलग कट कर देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जो शेप आएगी यहाँ पे बेल्ट की वो यहाँ से निकलेगी। अभी जैसे बेल्ट हमारे यहाँ पे 1.5 इंच की रह गई है, अभी हम यहाँ पे और 1.5 इंच बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच जाएगा सिलाई में और नीचे भी फिनिशिंग चाहिए। तो इसलिए 1.5 इंच और बढ़ा दिया है हमने। तो टोटल बेल्ट हमारा 3 इंच का हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देते, क्योंकि कप साइज में तो हमने ले लिया एक्स्ट्रा मार्जिन शोल्डर के लिए और यहाँ बेल्ट के लिए, लेकिन बेल्ट में और बढ़ा दिया। तो इसका जो ड्राफ्ट है कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी इसी ड्राफ्ट पर इसको कट कर लेते।
तो देखिए इस तरीके से रहेगा। अभी हमने यहाँ पर बेल्ट में भी आधा इंच को निकाल दिया, तो ये जो बेल्ट की शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अभी जो ये प्लेट है इसको भी कट कर, अभी यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा प्रिंसेस कट है कुछ इस तरीके से इसका शेप आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और नीचे ये बेल्ट आ। देखिए इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसी डार्ट को रख के आप कपड़े पे कट कर सकते हैं, और सिलना बहुत आसान है। इसकी सिलाई की वीडियो मैंने काफ़ी अपलोड किए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, इस तरीके से इस पार्ट को रखेंगे, और फिर इस पार्ट को यहाँ से लेके हम पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, तो ऑलरेडी हमारा कप साइज़ तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी आधा इंच कट कर दिया है, यहाँ पर 2.5 इंच कट कर दिया, तो इसका कप जो है काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद आपको ये बेल्ट अटैच करनी है, और जैसे नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं आगे पीछे के, इसलिए वैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप इस आसान तरीके से 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।